तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSI G Ryzen 7 क्वाड कोर लैपटॉप के बारे में, जिसमें कि 16 GB रैम है और 1 GB हार्ड डिस्क है। तो चलिए इसके मतलब शुरू करते हैं। इसके बारे में हम आज आपको स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं। तो इसका नाम है मॉडल सीधा MSI G Ryzen 7, मतलब इसमें राइजन AMD का प्रोसेसर लगा हुआ है, क्वाड कोर प्रोसेसर है राइजन 7। और इस लैपटॉप में 16 GB रैम है और 1 GB हार्ड डिस्क है, और साथ में जो OS को है मतलब OS को चलाने के लिए 256 GB का SSD है, ठीक है। विंडोज़ 10 होम एडिशन के साथ आता है। 4 GB का ग्राफिक्स है जो कि AMD Radeon RX 5500M है, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर है A3DD/0441N। और ये गेमिंग लैपटॉप है ऑफकोर्स, 15.6 इंच का है, उतना बड़ा भी नहीं है उतना छोटा भी नहीं है, नॉर्मल लैपटॉप है। छोटा होता है तो नॉर्मली 14 इंच का होता है, लेकिन ये ठीक ठाक है। और इसका करीब 2.33 किलो है, नॉर्मली लैपटॉप 1.8 kg आता है और ये 2.33 kg है, तो मतलब 300 ग्राम ज़्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, गेमिंग लैपटॉप है। इसका प्राइस है करीब 80,000 के आसपास, और 80,000 में आप इसको खरीद सकते हैं कहीं से भी। वैसे 80,000 के करीब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में मतलब अब हम उसका स्पेसिफिकेशन जानते हैं, ठीक है। तो बता दिए कि इस जब भी लैपटॉप खरीदेगा तो आपको इसमें लैपटॉप मिलेगा, बैटरी मिलेगा, पावर एडिटर मिलेगा और यूज़र गाइड मिलेगा। इसका मॉडल नंबर है A3DD/0441N और पार्ट नंबर है 9S7/16U622/044। अजीब नंबर है, ठीक है, सर्च कीजिएगा तो पता चल जाएगा। सीरीज़ जी सीरीज़ है और कलर ये ब्लैक में आता है, गेमिंग लैपटॉप है ऑफकोर्स, और प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए यूज़ किया सकता है। इसका बैटरी बैकअप ऑफकोर्स गेमिंग लैपटॉप तो ज़्यादा होगा नहीं, 4.5 आवर है। 180 वॉट का AC एडाप्टर, मतलब बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाला लैपटॉप है ये। और 6 सेल बैटरी है, तो समझ सकते हैं नॉर्मली 4 सेल मैक्सिमम होता है किसी भी नॉर्मल लैपटॉप में, कोई भी लैपटॉप हो, या फिर अगर आप इवन रेजर का खरीदिएगा या फिर मैकबुक भी खरीदिएगा, उसमें 4 सेल तक ही नॉर्मली होता है कि 6 सेल उसके बाद का जो होता है जो सारा है वो गेमिंग लैपटॉप में होता है, ठीक है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी है 4 GB जो कि है GDDR6, और प्रोसेसर का ब्रांड है AMD Ryzen 7, उसका मॉडल नंबर है, और उसका क्वाड कोर प्रोसेसर है, और इसमें SSD है 256 GB का, और रैम है 16 GB का, 16 रैम टाइप है DDR4, और हार्ड डिस्क 1 TB का है, और प्रोसेसर वेरिएंट है 3750H, ठीक है। और ये क्लॉक स्पीड है इसका 2.3 GHz और टर्बो बूस्ट हो सकता है 4 GHz तक, ठीक है। 6 MB कैसे है मेरे लैपटॉप में, 3 MB कैसे इसमें 6 MB कैसे है। और ग्राफिक्स जैसा कि बता चुके हैं AMD Radeon RX 5500M है, और नंबर ऑफ कोड है इसमें 4, ग्राफिक्स प्रोसेसर की बात कर रहे हैं इसमें नहीं, नॉर्मल प्रोसेसर में 6 कोर है, ठीक है। और OS आर्किटेक्चर है 64 बिट का, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 होम, और 64 बिट का आर्किटेक्चर है, और माइक है इसमें RJ45 है, USB पोर्ट है, एक 3.2 है, 3.0 नहीं 3.2 है, फर्स्ट जनरेशन, और टाइप सी है, 3.2 का जो है सो टाइप सी पोर्ट है, बेसिकली USB 3.2 का टाइप सी है, और 3 USB 3.2 फर्स्ट जनरेशन टाइप ए है, तो मतलब एक जो है सो टाइप सी है 3.0, और 3 जो है सो 3.2 टाइप ए है, ठीक है। और HDMI एक पोर्ट है, SD कार्ड रीडर भी है इसमें, और ये टच स्क्रीन नहीं है ऑफकोर्स, गेमिंग लैपटॉप टच स्क्रीन कम ही होता है। और स्क्रीन साइज है 15.6 इंच नॉर्मल, और फुल HD डिस्प्ले है इसका 1920x1080 पिक्सल का, ठीक है। और स्क्रीन टाइप है फुल HD LED बैकलिट IPS थिन बेजल डिस्प्ले, और इसका जो है फ्रीक्वेंसी है जिसपे काम करता है, रिफ्रेश रेट जिसको बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, इसमें रिफ्रेश रेट बोलेंगे डिस्प्ले के केस में, 120 Hz है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, और इसमें स्पीकर भी बिल्ट इन है ड्यूअल, और माइक भी है बिल्ट इन, और इसमें साउंड चिप जो है वो रियलटेक ALC 233 लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि रियलटेक का साउंड चिप है, और साउंड प्रॉपर्टीज़ है 2 वाट का स्पीकर है इसमें, मतलब एक्सटर्नल स्पीकर की बात कर रहे हैं। और वायरलेस LAN है, LAN का मॉडल नंबर है AWCB375NF, और ब्लूटूथ 5.2 है, 4.0 नहीं 5.2, और डायमेंशन है इसका 358 या 358
मल्टीप्लाई बाय 248 मल्टीप्लाई बाय 27.5 mm, और इसका वजन है जैसा कि बता चुके हैं 2.33 kg। और डिस्क ड्राइव इसमें अवेलेबल नहीं है, मतलब सीडी उडी नहीं लगा सकते हैं कंपनी का मतलब। वेबकैम 720p है, 30 fps है। वेबकैम वैसे भी लैपटॉप का ख़राब ही होता है, इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, चाहे इवन गेमिंग लैपटॉप का भी ख़राब होता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड आता है, तो बैकलिट कीबोर्ड है, मतलब उसमें लाइट जलेगा, और सिंगल कलर है, मल्टीपल कलर नहीं है, जैसे हीलियो 300 की तरह मल्टीपल कलर नहीं है। इसमें रेड कलर का सिंगल जो है, मतलब RGB नहीं बोलेंगे, मतलब बैकलिट RGB होता तो तीनों कलर होता, सभी कलर होता ऑलमोस्ट, और RGB नहीं है, मतलब सिंगल कलर है रेड, ठीक है। बैकलिट कीबोर्ड है, और टच पैड जो है पॉइंटर डिवाइस है, मतलब टच पैड तो हर लैपटॉप में होता है, ठीक है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर पहले से दिया गया, जिसका नाम है स्टील सीरीज इंजन 3, डायगन सेंटर 2.0, कूलर बूस्टर 5, निहेमिक 3 और AMD फिडिलिटी EX। AMD फिडिलिटी मेरे ख्याल से वो ओवरक्लॉकिंग के लिए यूज होता है शायद, ठीक से कंफर्म नहीं है, बस नाम से ही पता चल रहा है। एडिशनल फीचर है कि 51 वाट आवर का जो है सो लिथियम आयन बैटरी है 6 सेल का, और वारंटी इसके साथ 1 ईयर मिलेगा, और वारंटी सर्विस जो है सो कैरी इन आपको ले जाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा होता है कि आएगा आपको ठीक करने, लेकिन इसमें आपको ले जाना पड़ेगा। और कवर मतलब वारंटी तब कवर किया जाएगा जब आपका कोई हार्डवेयर फेलियर होगा, अगर आप फिजिकल डैमेज कर देते हैं या फिर उसको बर्न कर देते हैं या लिक्विड उस पर चला जाता है, तो उसका कोई वारंटी नहीं है, ठीक है। तो यही सब है इस लैपटॉप के बारे में। अब उस प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रोसेसर है राइजन 7 और 3750H, यानी कि ये मोबाइल प्रोसेसर है, कोई डेस्कटॉप लेवल का प्रोसेसर नहीं है, मोबाइल प्रोसेसर है। तो इसमें जो है बेस क्लॉक है 2.3 GHz का, और कोर है 4, और 4 कोर कहने का मतलब कि ये इंटेल के i5 प्रोसेसर के करीब करीब आता है, इसका स्पेसिफिकेशन उसी के आसपास आता है। 2.3 GHz बेस क्लॉक है, और टोटल लेवल 2 कैसे है इसमें 2 MB का, और सीमोस जो है 12 mm का है, थर्मल सॉल्यूशन है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो ई जाएगा ये CPU है 105 डिग्री सेल्सियस, और नंबर ऑफ थ्रेड ऑफ कोर जो है सो 4 कोर है, तो मतलब 8 थ्रेड होना ही चाहिए, और जैसे कि मेरा ड्यूअल कोर है तो इसमें चार थ्रेडिंग है जो भी कहते हैं, मतलब उसके बाद इसमें मैक्सिमम जो बूस्ट क्लॉक है वो है 4 GHz का। टोटल लेवल 3 कैसे है 4 MB, और लेवल 1 कैसे है 384 KB, हाँ 34, और पैकेज FPS है, और डिफ़ॉल्ट TDP यानी कि पावर जो मतलब नॉर्मल पावर जो कंजम्पशन इसका है 35 वाट है, और PCI एक्सप्रेस वर्जन है 3.0 उसमें सपोर्ट, और इसके बाद है CTDP 12 से 35 वाट है, और इसमें इसका जो इनबिल्ट GPU है उसमें 10 कोर है। अब इसका मेमोरी का बात कर लेते हैं। मेमोरी 2400 MHz है, यानी कि कहने का मतलब ये जो प्रोसेसर है करीब अभी का नहीं है, नया प्रोसेसर नहीं है, करीब 2 साल पहले का प्रोसेसर, 2-3 साल पहले रिलीज हुआ था, क्योंकि 2400 MHz उसी समय सपोर्ट करता था। मेरा लैपटॉप भी 2400 MHz सपोर्ट करता है। हम अपने लैपटॉप में 16 GB जब रैम अपग्रेड किया तो 16 GB अभी लगाए हैं, तो उसमें मतलब 2400 MHz का ही है मेरे लैपटॉप में भी। तो ये इससे पता चलता है कि ये लैपटॉप 1-2 साल पुराना है, मतलब नया नहीं है अभी का, अभी रिलीज लेटेस्ट नहीं है, ठीक है लेटेस्ट। और इसमें मेमोरी चैनल 2 है, नॉर्मली यही होता है 2। ग्राफिक्स फ्रीक्वेंसी है इसके 1400 MHz, और रेडॉन RX विवेगा 10 ग्राफिक्स है इसके अंदर इनबिल्ट। ग्राफिक्स कोर काउंट है 10, और की फीचर बता देते हैं इसमें AMD सेंस M1 टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट X12 टेक्नोलॉजी है, जेन कोर आर्किटेक्चर है, रेडॉन फ्री सिंक टेक्नोलॉजी है। फ्री सिंक इसमें इंटेल में भी आता है एक जी सिंक करके, ठीक है इसमें फ्री सिंक है, और डिस्प्ले पोर्ट है, HDMI है, फैमिली ऑफ कोर्स AMD राइजन है, उसके बाद मोबाइल प्रोसेसर है, और उसके बाद लैपटॉप के लिए है, लॉन्च डेट है करीब 2019 में, मेरे ख्याल से शुरुआत में ही हुआ था 2019 के, हम 2 साल बोले, मेरे ख्याल से एक साल के करीब है। हम वैसे मेरे ख्याल से 2400 MHz दिया है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत पहले का होना चाहिए, क्योंकि i3 इंटेल जो है 2400 MHz का जो है सो रैम सपोर्ट करता है DDR4। खैर अपना अपना कंपनी है, अपना अपना है। तो यही था इसका इसके प्रोसेसर्स का जो है सो स्पेसिफिकेशन।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या सुझाव है या फिर किसी तरीके का टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी टॉपिक से हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और अगर आप स्पेशली आपको हम वो लिंक सब्सक्राइब मतलब बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तो कि अगर हम आपके टॉपिक पे रिलेटेड कोई वीडियो डालें तो आपको पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस आउट।